जो विद्यार्थी मन को एकाग्र नहीं कर पाता है विद्या अध्ययन में असफल हो जाता है। आपके पास में बुद्धि इतनी कम नहीं है लेकिन आपकी एकाग्रता कम है। जो प्रथम स्थान लाते हैं उनमें एकाग्रता अधिक है। जो महिला एकाग्र चित्त से इंटरेस्ट पूर्वक भोजन बनाती है उसके भोजन में टेस्ट निराला होता है, और जिस महिला का चित्त एकाग्र नहीं है और इंटरेस्ट से भोजन नहीं बनाती है, बस बनाती है कोई इंटरेस्ट नहीं, तो उसके भोजन में कोई टेस्ट भी नहीं है। जिस कार्य में तुमको इंटरेस्ट नहीं होता है उस कार्य में कोई रिजल्ट भी खास नहीं आता है। सफलता की पहली चाबी है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस कार्य में, आनंद आपको खुद आना चाहिए। धीरू भाई अंबानी अपने कर्मचारियों से पूछते थे काम करने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसको काम करने में आनंद नहीं आता है, जिस वक्ता को प्रवचन करने में खुद आनंद नहीं आता है, जिस श्रोता को सत्संग सुनने में आनंद नहीं आता है, जिस कर्मचारी को अपने ऑफिस में काम करने में आनंद नहीं आता है, जिस नेता को राजनीति में आनंद नहीं आता है, वहां पर कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर वो नहीं आ सकता है। आपको खुद आनंद आना चाहिए तो वो कर्म ही तुम्हारा पूजा बन जाता है और वहां का रिस्पॉन्स भी बहुत जबरदस्त आता है। किसी गांव में एक मंदिर बन रहा था, बहुत से मजदूर उसमें कोई पत्थर तोड़ रहा था, ईंटा ढो रहा था। एक महात्मा वहां से निकलते हैं, महात्मा ने एक मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो, तो बोला पेट के लिए दिन रात मर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, रात दिन ईंटे ढो रहा हूं पत्थर फोड़ रहा हूं। महात्मा को लगा कि बड़ा अजीब आदमी है, सीधा जवाब दे दिया। दूसरे मजदूर से पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं, और हंसने लगा, बोला ये मेरा भाग्य है, कर्म तो पूरी दुनिया करती है लेकिन मुझे अपने कर्म के माध्यम से भगवान का मंदिर बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ, ये मुझे विशेष खुशी है। कोई मकान बनाता, कोई सड़क बनाता है, लेकिन मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। मजदूरी दोनों को बराबर मिल रही है लेकिन दोनों की सोच में अंतर है, समझ में अंतर है। इसलिए जो ये सोचता है कि पेट के लिए मर रहा हूं, दिन रात काम कर रहा हूं, उसको प्रसन्नता नहीं मिल रही, आनंद नहीं मिल रही, लेकिन जो सोचता है भगवान का मंदिर बना रहा हूं, उसको भी मजदूरी मिलती है, वेतन मिलता है, लेकिन साथ साथ में प्रसन्नता और आनंद भी प्राप्त हो रहा है। कहते हैं अगर तुमने पूजा को कर्म बना लिया तो आपकी पूजा व्यर्थ हो जाती है, लेकिन अगर कर्म को पूजा जैसा पवित्र मन से आपने करना शुरू कर लिया तो आपका कर्म भी पूजा जैसा फल देने लग जाता है। इसलिए हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, इस फार्मूले को लेकर चलना। सेवा हमारा कर्म है, सेवा हमारा धर्म है। तो आइए पहला प्रश्न हल करता हूं। रामायण से पहला प्रश्न, रावण मामा मारी से कहता है कि तुम सोने के मृग बन जाओ और पंचवटी में राम की कुटिया के आसपास में जाकर के घूमो, सीता जी तुमको देखें फिर जो होगा वो ठीक है। मामा मारीश ने मना कर दिया कि मैं माया मृग नहीं बनूंगा और भगवान राम की पंचवटी के पास में नहीं घूमूंगा, मैं ये धोखे वाला काम नहीं करूंगा। तो रावण ने कहा मैं आपको मार दूंगा फिर। तो मामा मारीच ने कहा रावण के हाथ से मरने से अच्छा है कि भगवान के हाथ से ही मरूं तो ठीक है, क्योंकि रावण से विरोध करना अच्छा नहीं,
तब मारीच कहता है कि नौ लोगों से संसार में विरोध नहीं करना चाहिए, इनसे सावधान रहना चाहिए। कौन कौन? तब मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोधे नहीं कल्याणा। तब मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोधे नहीं कल्याणा। तब मारीच ने अपने हृदय में अनुमान लगाया कि नौ लोगों से विरोध करने से अपना कल्याण नहीं हो सकता। कौन कौन नौ लोग हैं? सस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद्य बंदी कभी भानस गुनी। सस्त्री जिसके हाथ में शस्त्र हो, हाथ में तलवार है, उससे तुमने विरोध किया, उसके गुस्सा आ गई, तुरंत तलवार तुम्हारी तरफ घुमा सकता है, इसलिए थोड़ा उस समय क्षमता ले लीजिए, उसको जोश में मत लाइए। मर्मी दूसरा जो तुम्हारा मर्म जानता है, भेद जानता है, उसको विरोधी नहीं बनाना चाहिए, उससे अलग भी होना है तो समता से अलग हो जाओ, बस मिठास मिठास दूर हो जाओ। कहते हैं मित्र को जब छोड़ना हो तो बिना वाद विवाद किए हुए धन्यवाद देकर दिल से छोड़ दीजिए। अगर आपका मित्र धोखेबाज है, मित्र गलत है, छोड़िए, लेकिन झगड़ा करके मत छोड़िए, क्योंकि वो मित्र आपकी बहुत सी गहराइयों के मर्म को जानता है। उससे अगर विवाद हो जाएगा, नाराजी हो जाएगी, तो बहुत सा नुकसान पहुंचा सकता है, घर का भेदी लंका ढावे। शस्त्री मर्मी प्रभु, प्रभु कहते हैं स्वामी को, जो आपके इष्ट देव हैं, भगवान हैं, गुरुदेव हैं, जो पूजनीय हैं, उनसे कभी विरोध मत करो। यदि उनसे विरोध करोगे आशीर्वाद भी नहीं देंगे और तुम्हें कल्याण के लिए कोई ज्ञान भी नहीं देंगे, इसलिए उनसे भी विरोध मत करिए। स्वामी का चुप हो जाना, प्रभु का असंतुष्ट हो जाना और गुरु का तुमसे असंतुष्ट होना, इसी में तुम्हारा कल्याण रुक जाएगा, क्योंकि गुरु प्रभु स्वामी इनको तो जितना खुश रखोगे उतना ही फायदा है। प्रभु चौथे सठ, सठ माने दुष्ट होता है, जो दुष्ट है उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। दुष्ट से विरोध करोगे वो न जाने तुम्हारे साथ में क्या प्रोग्राम बना दे दुष्टता का। तुम तो कुछ सोचोगे नीति अनीति भी, लेकिन वो दुष्ट कुछ नहीं सोचेगा, इसलिए दुष्ट व्यक्ति से गम खा करके साइड हो जाना चाहिए, दुष्ट से भिड़ो मत। आप प्रभु सठ धनी और धनवान से भी विरोध मत करो, धन भी एक शक्ति है, धनवान से विरोध मत ठानो। और प्रभु उसको भी कहते जिसके पास में प्रभुता है, प्रभुता माने जिसके पास में अधिकार है, पावर है, उसको भी प्रभु कहते हैं। प्रभुता संपन्न जो लोग हैं, अधिकार भी है, सब कुछ संपन्न है। एक व्यक्ति किसी नेता की निंदा करता था, सत्य घटना है, ये नहीं बताऊंगा कहां की, तो उस नेता से किसी ने बताया कि आपकी तो बहुत ज्यादा निंदा करता है और आपके हाई कमान की भी निंदा करता है, बड़ा विरोध करता है, तो हलचल मचा रखी। तो उसने नेता ने हंस कर कहा कि शांति रखो, समय आने पर इनको प्रसाद मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा, बूंदी का प्रसाद मिलेगा, कौन मिलेगा। तो कुछ नहीं किया उस नेता ने, चुनाव हो गया, जीत गया, सब बात खत्म हो गई। एक मयूर, वो निंदा करने वाले के हाथ से मयूर मर गया, उस मयूर के नाम से रिपोर्ट हुई
और मयूर राष्ट्र पंछी होता है तो बहुत फर्स्ट क्लास केस बन गया, और निंदा करने वाला उसी में लटक गया, परेशान हो गया, जेल हो गई, छूटा ही नहीं। बोला इनको थोड़ा प्रसाद मिला है, और करेंगे तो बड़ा मिल जाएगा। कहां से कहां घटना चक्र घूम कर पहुंच गया। जितने बड़े लोग होते हैं वे जल्दी उलझते नहीं है, बड़े लोग बड़े सहनशील होते हैं, और बिना सहनशील हुए कोई बड़े बनते भी नहीं। बड़े लोगों में बड़ी गंभीरता होती है, बहुत गम खा लेते हैं। और यदि आपको बड़े बनना है तो सबसे पहले बड़े सहनशील बनो, बड़े गमखोर बनो, तो आप बड़े आदमी बन जाओगे। छोटी छोटी बात में उलझने वाले लोग, जरा जरा सी बात में गर्म होने वाले लोग, ये कभी बड़े नहीं बन सकते। बड़े बनने के लिए बड़ी सहनशीलता रखना पड़ता है। गम खाना, कोई साधारण व्यक्ति गम नहीं खा सकता है, बहुत महान लोग ही गम खाते हैं। और जो तुम्हारे घर में गम खा ले उसको ये मत समझना कि ये डर गया इसलिए गम खाया है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही गम खाता है, और बुद्धू आदमी बिल्कुल गम नहीं खाएगा। और जो गम खा लेता है उसकी जिंदगी की गम कम हो जाती है, और जो गम नहीं खा पाता है वो स्वयं दुनिया से कम हो जाता है, इसलिए गम भी खाइए।